या थैंक ओ ओ कैसे हो तुम ऑल गुड या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई थिंक वी हैव बीन एबल टू टच द राइट कॉर्ड। जिस तरह से हमने सोचा था कि इसको एक किक स्टार्ट देना है, आई थिंक वो किक स्टार्ट मिल चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी सीन इट, दे आर अप्रिशिएटिंग इट। एंड पीपल हैव सीन जस्ट द ट्रेलर्स, उनको ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं। एंड आई होप एवरीवन लाइक्स योके हुआ ब्रो, बिकॉज हमने बहुत सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वूट एज यू नो अ प्लेटफॉर्म हैज़ ऑलरेडी डन बहुत क्रिएटिव चीज़ें की हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। लास्ट में उनका देखा था इट्स नॉट दैट सिंपल। आई थिंक स्वरा के साथ जो वेब सीरीज उन्होंने की थी वॉज अमेजिंग। माई वाइफ टोटली लव्स इट। सो जो कुछ भी उनका काम अभी तक पिछले एक दो साल में आया है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा फन है, क्वर्की है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वर्क। आई थिंक योके हुआ ब्रो इज रियली क्वर्की। एक रॉ सेटअप है रोहतक का। सो आई थिंक यू ऑल शुड वॉच इट ऑन 18th एंड एंजॉय इट। एक तो उनकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि बहुत टाइम बाद आ रही है। शी लुक्स रियली, शी स्टिल लुक्स यंग। सो मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद आ रही है, मुझे लग रहा है कि अभी आई है शायद। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद शमिता, विद रिधिमा, विद सुमित व्यास, विद गौरव पांडे। ऑल ऑफ देम आर टैलेंटेड बंच ऑफ एक्टर्स एंड आई थिंक वी ऑल वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। नॉट ओनली द एक्टर्स बट द डायरेक्टर, द कॉस्ट्यूम टीम, द यू नो द कैमरा टीम, डी ओ पी जय बंसाली, द प्रोड्यूसर नमित एंड एंटायर वू टीम, तान्या, पार्थ, विभू, फिजा, वी वर ऑल आई थिंक वी वर ऑल ऑलवेज ऑन द सेम पेज वैन इट कम्स टू डिलीवरिंग इट ऑन यू नो a particular day. We always knew what we were shooting tomorrow. We always knew what we were supposed to do in the past, you know, in the next 10-15 days. Ek ek din ka sketch jis tarah se plan kiya gaya tha exactly usi tarike se nikla. So that tells the professionalism of the production house, the channel, the actors, at the same time the preparation, you know. Agar aap kisi cheez ke liye prepare hoke jaate hain wo achhi hi nikal ke aati hai cheez. एंड अगर आप केमिस्ट्री भी देखेंगे सब एक दूसरे के साथ ट्रेलर्स में भी, स्पेशली मी एंड गौरव, बिकॉज हम हैं दोनों ब्रो रोहतक के, तो हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी इसीलिए निकल के आ रही है बिकॉज उसमें वर्कशॉप्स हुई हैं, हम दोनों आपस में जेन्युइनली दोस्त बन चुके हैं, तो वो नज़र आ रहा है ट्रेलर्स में। सॉरी या ऑफकोर्स इट्स काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप कंपेयर करें फिल्म और वेब सीरीज़ को इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट इन द स्केल, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टचवुड इन द पास्ट 2-3 ईयर्स आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्टेंट वेब स्पेस में आया है एंड जस्ट बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड और वेब स्पेस ने अपने आप को प्रूव किया है मेरिट पे, हैंस द बजटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। पहले लोग पैसा नहीं लगा रहे थे वेब स्पेस में, अब बहुत पैसा लगा रहे हैं। ऑल द ब्रांड्स वांट टू डू अ लॉट ऑफ कैंपेन्स ऑन वेब, दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ यू नो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं अब। सो इसलिए बजटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जिस स्केल पे एक फिल्म बनती है उसी स्केल पे अब एक फिल्म भी बनती है, और सॉरी जिस स्केल पे एक फिल्म बनती है उसी स्केल पे वेब सीरीज भी बनती है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कितना क्या बोला था आपने साथ में, हाँ टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन टाइम, ऑफकोर्स यू गेट द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपने अच्छा किया है बुरा किया उसी वक्त आपको पता लग जाता है। स्पेशली जो आपने शूट भी किया है वो भी आप एक दो महीने के अंदर अपलोड कर देते हो। आप 6 महीने 8 महीने एक साल की वेट नहीं करते हो, पोस्ट में इतना टाइम नहीं लगाते हो टू रिलीज़ अ फिल्म, जिसमें नॉर्मली होता है कि फिल्म 6 महीने पहले या 1 साल पहले शूट हुई होती है और निकलते निकलते रिलीज़ होते होते 1 साल हो जाता है। आई थिंक दिस प्रोसेस इज़ अलॉट मोर क्विकर। दिस प्रोसेस इज़ एज यू सेड कि नीचे कॉमेंट्स आ जाते हैं, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, विच एज एन एक्टर आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू नो आप किसी भी मीडियम में जा रहे हो, रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी यार देखो ऐसा है, ये इतना बहुत सिचुएशनल चीज़ें हैं।
किसी फिल्म को किस तरीके से सर्टिफाई करना है, किस तरीके से नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। टॉकिंग अबाउट जी, मैं पहले जब प्रसाद निहानी जी थे मैं उनको जानता नहीं हूँ, प्रसून जोशी सर को मैं फिर भी मिला हूँ काफ़ी बार, तो आई नो हिज क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी यंग, वेरी उबर, एंड एट द सेम टाइम ही नोज व्हाट ही इज सेइंग बिकॉज वो खुद एक बहुत क्रिएटिव इंसान है। आई एम नॉट सेइंग कि पहले वाले क्रिएटिव लोग नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ इतना अच्छी तरह पर्सनली, सो टॉकिंग अबाउट प्रसून सर, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप उस पोजिशन पर पहुँच जाते हैं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू नॉट ओनली टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि ये क्रिएटिवली इसको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको काफ़ी बार समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन यू नो जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है और जितने हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं, जितना जिस तरह के अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं, जितने रिलीजन्स हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स व्हेन यू रीच दैट लेवल, एंड एक पोजिशन आपको दी गई है जहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Having said that, I would also want to, you know, make an appeal to the audience. I think we should just take it easy in life. Hame itna bruha nahi karne ki zarurat hai. We don't have to blow things out of proportion. Itni zabardasti controversy create karne ki zarurat nahi hai. Dharm ke naam pe, jati ke naam pe, kapdon ke naam pe, cigarette ke naam pe, sharab ke naam pe, ki kya dikhaya ja raha hai filmon mein, kya nahi. It's just a light-hearted, creative piece of work, jo aapko sirf aapke mazay ke liye dikhaya ja raha hai. यू नो ये इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि किसी को डिफेम करना है या किसी को बेइज्जत करना है, इट इज़ जस्ट अ क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। एंड अक्सर आप देखेंगे एक डिस्क्लेमर दिया ही होता है हमेशा से फिल्म स्टार्ट होने से पहले, तो डिस्क्लेमर इसीलिए है कि किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है यार, कि वो डिस्क्लेमर सेज इट ऑल, चाहे वो सिगरेट को लेकर है, चाहे शराब को लेकर, चाहे रिलीजन को लेकर, सो डिस्क्लेमर है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन पे इतना आई थिंक हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। सर डिजिटल की बात करते हैं तो इंटरनेट में आप कुछ वेब सीरीज की आ रही है, लेकिन हाल ही में एक ब्लू वेल का गेम है जो बच्चों को प्रोत्साहन करता है कि 50 दिन में के अंदर एक गेम होता है और उनको प्रोत्साहन करता है कि सुसाइड करने के लिए, तो आप ऐसे गेम को क्या बैन होना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? यार देखो ऐसा है, जिसने भी ये गेम स्टार्ट करी, जिसने ये ब्लू वेल चैलेंज स्टार्ट किया, मैं उनके ऊपर टिप्पणी करने के बजाय, ऑफकोर्स गलत है वो तो जो उन्होंने किया है, लेकिन आई वुड स्टिल ब्लेम द अपब्रिंगिंग, द सोसाइटी, द पेरेंट्स, द किड हिमसेल्फ, बिकॉज क्या है ना, अगर आप सुसाइड तो और किसी वजह से भी आप बहुत बार करते हैं, तो सुसाइड करना ही गलत है। लेट्स नॉट ब्लेम ब्लू वेल चैलेंज फॉर यू नो कमिटिंग सुसाइड। एट द सेम टाइम आई थिंक वो एक मेच्योरिटी लेवल है, पेरेंट्स कितना बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेरे उम्र के भी बच्चे थे जो गलत कामों में घुसे हुए थे, वो हो सकता है कहीं से कूद के जान नहीं दे रहे थे, तो शायद कुछ गलत चीज़ें खा पी के जान दे रहे थे। एंड आई कम फ्रॉम पंजाब, जहाँ पे आपने पीछे उड़ता पंजाब देखो, वहाँ पे ऑफकोर्स यू नो यूथ वॉज बींग अफेक्टेड। अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो जो आप गलत दिशा में जा रहे हैं वो आप किसी भी गलत दिशा में जा सकते हैं, चाहे वो आप ड्रग्स लेकर या शराब पीकर अपने आप को ख़राब कर रहे हो, चाहे वो आप ब्लू वेल चैलेंज से यू नो कैरिड अवे होकर अपनी जान ले रहे हो। तो आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनको रोज़ अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे वी कैन आई थिंक बी मेच्योर एंड बी अ वाइज सिटीजन। यार देखो ऐसा है, आई होप स्पेशली बिकॉज माई एल्डर ब्रदर यू नो हैज़ बीन एबल टू अचीव रियली गुड थिंग्स, सो आई होप एक्टिंग मेरे खून में है स्टार्टिंग विद दैट, एंड वो शॉर्ट फिल्म करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक शत्रु सर के जो बेटे हैं कुश सिन्हा, सोनाक्षी के ब्रदर, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आई थिंक बहुत ज़्यादा कमाल के वैल्यू सिस्टम है उनके घर पर, बहुत अच्छे वैल्यूज़ दिए गए हैं शत्रु सर एंड मैम द्वारा टू ऑल द थ्री किड्स। तो स्टार्टिंग विद दैट मुझे शूट पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनके साथ डील करके, बहुत ही तहजीब से, बहुत ही प्यार से समझाते हैं वो आपको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि आपको उसके पास सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आपने वो शॉर्ट फिल्म देख ली है तो आपको पता होगा कि यार ये तो मतलब शुरू हुई और ख़त्म हुई पता भी नहीं चला, और कितने कमाल के कैरेक्टर एकदम से निकल के आया है। वो बस एक बार एक्सप्लेन किया गया मुझे, एंड बस वो शुरू किया हमने बस, और एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो करके। एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म अगेन, आई थिंक काजल अग्रवाल इज़ एन एक्सट्रीमली, ओह ब्रो
यो के हुआ ब्रो, ये आ गए दो ब्रो, रोहतक के दो ब्रो, पीयूष एंड महेंद्र, शरारती ब्रो लड़के, क्या बात ब्रो, शरारती लौंडे। सो मैं हूँ पीयूष, ये महेंद्र, ठीक हो? बस ठीक चल रहा सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? साउंड साउंड में कोई कहना चाहता है कुछ बता दो मुझे, है भाई साहब? नहीं महेंद्र साहब, क्या हाल है? पीयूष महेंद्र जब मिलते हैं तो ऐसे तबाही तो मस्ती है, ऐसे कांड होते हैं और आगे भी जो कांड होंगे वो आपको दिखेंगे। क्या बात है पाजी, एक प्लैकार्ड पकड़ के हो जाए कुछ, करना बनता है यार, यू शुड डू समथिंग लाइक दैट। यो के हुआ ब्रो, यो के हुआ ब्रो, यहाँ पे आ जाए, लेट्स शिफ्ट हियर, लेट्स शिफ्ट हियर, उधर चल जाते नहीं आप, वैसे क्लाउड है, मतलब आपके पास क्लाउड है ऐसा क्या? एक सेकंड आ गए सर, सो सॉरी, जो के हुआ तो